हेलो दोस्तों, सहेल जी मंकिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रैंड टाइटन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। भाई आज की जो वीडियो वो सभी कार्स पे कॉमन होगी। क्यों भाई? सभी कार के अंदर टायर तो आते ही है भाई। ऐसी कोई भी कार नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ की 2 करोड़ की, जो टायर के बिना ना चलती हो। तो भाई टायर के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं। भाई टायर के खास फैक्ट के बारे में बताऊँगा। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टायर तो आते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर देने का कारण क्या है? तो भाई वो कारण है सेफ्टी। भाई हमें सेफ्टी बता देता हूँ किस तरह से। भाई आगे वाले टायर, पीछे वाले टायर सॉरी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको आगे वाले टायर दिखा देख सकते हो। टायर दबा हुआ और फ्लैट हो गया नीचे से। तो भाई इस कारण से कार की स्टेबिलिटी भी बढ़िया रहती है। वो स्टेबिलिटी भी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, क्लिप थोड़ी सी दिखाऊंगा। Just what you'd expect inside her new Balenciaga cigarettes in tiny liquor bottles. Just what you. तो भी उस क्लिप में आप सभी ने देख लिया, अभी कार 60-70-80 तक चली गई और अभी कारों को बिल्कुल पता भी नहीं चलता। कार रोल नहीं होती ट्यूबलेस टायर की वजह से। ट्यूब वाले टायर वो बिल्कुल राउंडेड रहते हैं, नीचे से फ्लैट थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो भी इस कारण से ट्यूबलेस टायर के अंदर थोड़ा सा रोल होता है, बॉडी रोल मिल जाता है। तो भाई ट्यूबलेस टायर देने का कारण एक तो ये रहा, और दूसरा कारण भाई ये टायर फटते नहीं है। अब मान लो ये जैसे बिल्कुल घिस जाएंगे ना, जैसे बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे, तब भाई ये चीज़ है ना, ये उतर जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन ये टायर फटते नहीं है। ये टायर बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं फटते हैं, अगर एक्सीडेंट भी होता है ना इनका, तो भाई जैसे इन पर थोड़ा सा कुछ लगेगा, मान लो कोई पत्थर के साथ अगर टच हो जाएंगे, बड़े पत्थर के साथ, तो इनकी हवा बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये फटते नहीं है। सबसे खास बात यही है इनकी। और भाई इनके अंदर ना दो तरह के टायर रखते हैं ट्यूबलेस में, एक तो भी नायलॉन होते हैं और एक रेडियल। ये देख सकते हैं, ये रेडियल ट्यूबलेस और एक होते हैं नायलॉन। तभी रेडियल और नायलॉन का मैं बता देता हूँ क्या फ़र्क होता है। जब ये टायर फटते हैं ना, तब अपने को दिखाई देता है इनके अंदर तार होती है। एक तो भी जिनके अंदर स्टील वायर होती है और दूसरे जिनके अंदर फाइबर की वायर होती है। जो भाई फाइबर वाली वायर है वो तो होती है नायलॉन के टायर, और भाई जो वो लो वाली तार होती है वो होते हैं रेडियल टायर। यही फ़र्क है भाई रेडियल और नायलॉन में। टायर की स्टेबिलिटी मेन जो निर्भर करती है वो इस पे करती है, 165 जो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका साइज किस तरह से देखा जाता है। ये जो भी टायर की मोटाई है, ये 165 और 65 वो ये चीज़ भाई 65 है। और R40 आप सभी जानते हो, 14 इंच का जो ये व्हील है। अब भाई कुछ लोग मिथ फैलाते हैं भी, अगर ये 15 इंच का होता, जैसे मान लो बेस मॉडल में ये 14 इंच का है और 15 इंच का होता, तो उससे कार की हाइट बढ़ जाती। तो भाई वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। कार की हाइट अगर ये 15 इंच कर देना, तो ये MM भी कम करेंगे, ये 55 भी हो जाएगा, ये 50 तक रह जाएगा। तो ये चीज़ भी घटाते हैं कंपनी वाले, क्यों भाई हर कार की हाइट मेंटेन करनी पड़ती है, वरना बेस मॉडल को कोई नहीं खरीदे, सभी टॉप मॉडल ही खरीदेंगे, इसलिए भाई हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। और भाई इन टायर्स का एक नुकसान है, वैसे तो वो कार के अंदर उसका कोई चीज़ नुकसान नहीं है, इन पे ना हैवी लोड नहीं उठा सकते। यानी मान लो ट्रक के टायर होते हैं, कुछ जैसे ट्रक होते हैं उनके टायर होते हैं, वो ट्यूब वाले ही होते हैं। ट्यूब वाले टायर के अंदर लोड बहुत ज़्यादा ले जा सकते हैं, क्योंकि इनको भगाना तो होता नहीं। तो भाई इसलिए इनके ये ट्यूबलेस होते हैं, क्योंकि इन कारों के अंदर लोड नहीं ले जाना होता, वो ट्रकों के अंदर लोड ले जाना होता है, इसलिए वहाँ पे ट्यूब वाले टायर दिए जाते हैं। आज की वीडियो, तो भाई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।